क्या आपको याद है 1997 की वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर पसीने पसीने हो गए थे आप? क्लाइमैक्स में विलेन निकलती है हीरोइन। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ हम आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो उस दौर में बनी जब बॉलीवुड में रोमांटिक और एक्शन फिल्में बन रही थी। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई और इसने 3 अलग अलग कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते। क्या आप जानते हैं इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म और इसकी कहानी? नहीं तो आइए जानते हैं। फिल्म का नाम गुप्त द हिडन ट्रुथ है। इस फिल्म में एक लव ट्रायंगल और पॉलिटिक्स को दिखाया गया है। इसमें एक मर्डर मिस्ट्री है जिसके आरोप में बॉबी देओल के किरदार को जेल की सजा होती है और वह सही मुजरिम का पता लगाने के लिए जेल से भागता है। आपको बता दूं कि वो और कोई नहीं बल्कि अजय देवगन की पत्नी काजोल है जो उस मर्डर को अंजाम दी थी, लेकिन जेल जाना पड़ा था बॉबी देओल को और इसी कारण गुप्त द हिडन ट्रुथ ने बॉबी देओल को रातों रात स्टार बना दिया था। उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज भी क्रिएट हुई जिसका रिफ्लेक्शन हमें साल 1999 में आई सोल्जर में देखने को मिला था। बॉबी की इस फिल्म को भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया था।